नमस्कार दर्शकों, आप सभी का डॉक्टर मंजुल जोशी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं रविवार के व्रत की विधि। रविवार का व्रत करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, आरोग्यता बढ़ती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में सूर्यदेव यदि पीड़ित अवस्था में हों, अपनी नीच राशि में स्थित हों या जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो तो सूर्य देवता की पावर बढ़ती है और सूर्य देवता के शुभ परिणाम आपको मिलते हैं। सूर्य के लिए व्रत रविवार के दिन किया जाता है। यदि आप इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुभ रविवार से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए और लगातार एक साल तक इस व्रत को आप कर सकते हैं। कम करना चाहते हैं तो 11 की संख्या या 21 की संख्या में व्रत करें। साथियों, भगवान सूर्य के व्रत में आपको नमक का त्याग करना है। इस दिन मीठा ही भोजन आपको करना है। इस व्रत की विधि भी और व्रतों की तरह सिंपल है। सवेरे आपको जल्दी उठना है, उठ के अपने आप को स्वच्छ करना है, अपने घर को स्वच्छ करना है और अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करना है। पूजन की सामग्री आप एकत्रित कर लें और लाल चंदन का प्रयोग अवश्य करें पूजा में। साथियों, लाल पुष्प का प्रयोग भी अवश्य करें। पूजा में लाल रंग के वस्त्र यदि आप धारण करते हैं तो वह भी आपके लिए लाभकारी रहता है। तो जितनी भी पूजा आप श्रद्धा भक्ति से कर सकते हैं, भगवान सूर्य की पूजन उस प्रकार आपको करनी चाहिए। एक लाल कपड़ा लेकर के उस पर भगवान सूर्य का यंत्र स्थापित करें या उनकी फोटो स्थापित करें। अगर दोनों ही नहीं हैं तो चावल की ढेरी बना करके भगवान सूर्य का आवाहन करें। भगवान सूर्य वैसे भी साक्षात प्रत्यक्ष दिखने वाले देवता हैं और पूरे दिन भर उनका दर्शन हमें मिलते रहता है। तो भगवान सूर्य देव को आप प्रतिष्ठित करें। तत्पश्चात जो भी सामग्री आपके पास है, धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, दक्षिणा इत्यादि श्रद्धानुसार उन्हें चढ़ाएं और उसके बाद सूर्य देव से संबंधित स्त्रोत्रों का पाठ करें। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ आप कर सकते हैं और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः के जाप आप कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप भी लाभकारी रहता है, या केवल गायत्री मंत्र का भी आप जप करें तो वह भी आपके लिए अति उत्तम रहता है। साथियों, इस दिन गेहूं का गुड़ से बना हुआ दलिया खाना चाहिए और नमक का त्याग करना चाहिए। भोजन से पूर्व सायंकाल में भगवान सूर्य की आरती भी करनी चाहिए। इस प्रकार आप इस व्रत को कर सकते हैं और व्रत के दिन आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रक्त चंदन या रोली या लाल पुष्प और दुर्वा मिलाकर के अर्घ देना बिल्कुल न भूलें। जिस दिन भी आप यह व्रत कर रहे हैं उस दिन भगवान सूर्य को अर्घ दें तो ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप व्रत के दिन सूर्य मंत्रों से कुछ आहुतियां भी अवश्य दें। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जिस दिन आप व्रत का उद्यापन करें उसी दिन तो अवश्य दें। जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है उसके अंतिम रविवार को आप उद्यापन करें, उस दिन भी आप व्रत रखें, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कुछ दान दक्षिणा अवश्य उनको प्रदान करें। इस प्रकार जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है सूर्य देव का ध्यान करके उतने व्रत करें और पारायण के दिन आपको हवन पूर्णाहुति भी करनी है। ऐसा करने से सूर्य देव का अशुभ फल शुभ फल में परिणित हो जाएगा, आपकी तेजस्विता बढ़ेगी। अगर पिता से संबंध मधुर नहीं है तो पिता से संबंध मधुर होंगे। साथ ही साथ आपको अत्यधिक खुशी का अनुभव होगा, नेत्र ज्योति आपकी बढ़ती है, चर्म रोग यदि कोई है तो उसमें भी आपको आराम होता है। इसके साथ साथ यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपके अपने उच्च अधिकारी यानी बॉस से संबंध मधुर नहीं रहते हैं तो भगवान सूर्य का जप करने से बॉस से भी संबंध मधुर होते हैं और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। तो
तो साथियों, संक्षिप्त रूप से मैंने आपको रविवार के व्रत की विधि बताई। यदि आपकी कोई अन्य क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का समय शुभ हो। देखते रहिए डॉक्टर मंजुल जोशी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।